Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. ये आपके लिए बोर्ड्स प्लस नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट दिए हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एज वी ऑल नो, इवोल्यूशन इज द कॉन्सेप्ट दैट मेक्स बायोलॉजी यूनिक। तो इस वीडियो में मैंने इसे इस तरह टेबल में कैटेगराइज किया है, आपके नेम ऑफ साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन। तो आपको इजी होगा इसे रिवाइज करने में अपने बोर्ड्स और नीट के लिए। तो सबसे पहले है पंचम महेश्वरी, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। तो इनका मेजर वर्क था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, प्लस उन्होंने एस्टैब्लिश किया था सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। ग्रेगोर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, इन्होंने वर्क किया था पी प्लांट पे और हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमें दिए थे। नेक्स्ट इज रेगिनाल्ड सी पुनेट, जिन्होंने पुनेट स्क्वायर दिया था, जिससे हम अपने मेंडेलियन क्रॉसेस निकालते हैं, चाहे वो हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो। तो पुनेट स्क्वायर से ये ईजी होता है हमें कैलकुलेट करना फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, क्योंकि ये पिक्टोरियल में प्रेजेंटेशन देता है। डीवेरिस, कोरेंस एंड वॉन टेशमार्क, इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल वर्क को 1900 में। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी, इन्होंने डिस्कवर किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और इन्होंने देखा कि कैसे क्रोमोसोम और जीन्स पैरेलली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इज थॉमस हंट मॉर्गन, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में। इन्होंने लिंकेज पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को लेकर थे, और इनके जो स्टूडेंट हैं अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, इन्होंने जीन मैपिंग पे काम किया था। जीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन करने के लिए यूनिट दी थी, जिसे हम सेंटीमॉर्गन कहते हैं। हेंकिंग, जिन्होंने एक्स बॉडी डिस्कवर की थी जब वो कुछ साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में इन फ्यू इंसेक्ट्स। तो लेटर ऑन पता चला कि ये जो एक्स बॉडी है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। लैंगडॉन डाउन, जिन्होंने डाउन सिंड्रोम डिस्कवर किया। डाउन सिंड्रोम हमारा एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम 21 की। फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने न्यूक्लियन डिस्कवर किया जिसे हम डीएनए कहते हैं। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया जो कि बहुत फेमस मॉडल था, और उसी पे रिलेटेड डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बताया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है। एरविन चारगाफ, जिन्होंने चारगाफ्स रूल दिया। ये रूल बताता है कि जो आपके डीएनए में बेस पेयर हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन आपके हैं ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडीन है आपके UTC, यूरैसिल, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए के केस में यूरैसिल प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए में पेयरिंग होती है A और T की, G और C की। तो A और T डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं और G और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने सेंट्रल डॉग्मा जो प्रोसेस था जिसमें डीएनए RNA में कन्वर्ट होता है बाय ट्रांसक्रिप्शन, RNA प्रोटीन बनाता है बाय ट्रांसलेशन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। इन्होंने देखा कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया है वायरुलेंट फॉर्म। ऑसवर्ल्ड एवरे एंड कोलिन मैकलॉयड, इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया। इन्होंने एंजाइम्स का यूज किया ये बताने के लिए कि डीएनए ही हमारा वो कंपोनेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आर स्ट्रेन को इनटू एस स्ट्रेन। अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस, ये वो फाइनल एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का, जिसमें इन्होंने हेवी और लाइट आइसोटोप यूज किया था और बताया कि ऐसे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म करती है। हरगोबिंद खुराना, जिन्होंने आरएनए सिंथेसिस परफॉर्म किया इन विट्रो में। मार्शल लियनबर्ग, जिन्होंने सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डेवलप किया। सेवेरो ओकावा, जिन्होंने डिस्कवर किया था एंजाइम जो हेल्प करता है आरएनए सिंथेसिस में। फ्रैंकोइस जैकॉब एंड जैक्स मोनोड, जिन्होंने लैकोपेरॉन बताया एंड रेगुलेशन ऑफ जीन्स के बारे में। एलेक्स जेफरी, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसका प्रिंसिपल डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे बेस्ड था। ओपेरन एंड हाल्डन, चैप्टर 7 इवोल्यूशन से इन्होंने सजेस्ट किया था कि लाइफ अरोज हुई है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। लुइस पाश्चर जिन्होंने बायोजेनेसिस के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और इन्होंने डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। स्टैनली मिलर एंड यूरे, जिन्होंने मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट था टू साइंटिफिकली एक्सप्लोर द आइडिया अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस एक्सपेरिमेंट में डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली बाय सिमुलेटिंग द कंडीशंस ऑफ Earth's early atmosphere, and they found that several organic amino acids had formed spontaneously from inorganic raw material. एरिस्टोटल जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दी थी, जो कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। चार्ल्स डार्विन जिन्हें हम फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी और अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में बताया था। अल्फ्रेड रसल वॉलेस जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। जेबी लेमार्क जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन स्पीशीज टेक्स प्लेस विद टाइम। ह्यूगो डी वेरिस जिन्होंने फर्स्ट टाइम म्यूटेशन और इवोल्यूशन को रिलेट किया, और इन्होंने कहा म्यूटेशन इज द रीजन ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने कहा था कि लार्ज म्यूटेशंस होते हैं जिसकी वजह से स्पीशीज में चेंजेस आते हैं प्लस न्यू स्पीशीज अराइज होती है। बट इसके बिल्कुल ऑपोजिट डार्विन का मानना था कि छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं, उसकी वजह से न्यू स्पीशीज क्रिएट होती हैं। हार्डी वाइनबर्ग जिन्होंने हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल दिया, जो ये कहता है कि जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर्स। तो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स थे आपके जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हिपोक्रेट्स जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, विलियम हार्वे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग डिस्कवर्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी, आपका चैप्टर 9 से है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था पेनिसिलिन, और डिस्कवर किया था फंगस पेनिसिलम नोटाटम। पॉल बर्ग जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। हर्बर्ट बॉयर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर किए थे एस्क्रीशिया कोलाई में से। स्टैनली कोहेन जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आइडिया दिया। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने एक साथ 1972 में फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड which was responsible for confirming antibiotic resistance. So Herbert Boyer और Stanley Cohen ने मिलके आपका recombinant DNA plus restriction enzyme से related जो भी discoveries थी first time इन्होंने की। जो recombinant DNA create किया था, उस DNA को transfer किया था E. coli में, जो कि closely related है Salmonella से। PCR polymerase chain reaction, कैरी बी मिलर्स ने पीसीआर डिस्कवर किया था। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी, यूजीन ओडम फादर ऑफ इकोलॉजी, अर्नेस्ट हेकल ने फर्स्ट टाइम एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया फॉर इवोल्यूशन। इन्होंने बताया कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वो कॉमन होती है टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया which state that each embryo's developmental stage represent an adult form of an evolutionary ancestor. इन्होंने biogenetic law दिया which states that each embryo developmental stage represents an adult form of an evolutionary ancestor. According to this law, by studying the stages of embryological development, one is in effect studying the history and diversification of life on Earth. अर्नेस्ट हेकल के इस बायोजेनेटिक लॉ को डिस्प्रूव किया कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर जिन्हें हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने फाउंडेशन प्रोवाइड की फॉर मॉडर्न कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तो इसके साथ हमारे सारे साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन जो आपके 12th क्लास एनसीईआरटी में है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।